Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020 to be taken into the consideration. Speaker, sir, Assisted Reproductive Technology का बिल पहले पार्लियामेंट में आया था सितंबर 14, 2020 को और लोकसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विस्तार से विचार किया। विचार करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट में कई सुझाव आए। सुझाव को भी हमने ध्यान में लिया है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, फीमेल से ओवम लेके मेल के स्पर्म को लेबोरेटरी में एम्ब्रियो डेवलप करके उसको फिर से फीमेल में इम्प्लांट करने की के लिए सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये बिल के कई पहलू है और लाने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि देश में ऐसी कई क्लिनिक आज के दिन में चल रही है, वो VIF कर रही है, उसको रेगुलेट करना था। और रेगुलेट करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसमें कई ऐसे व्यवस्थाएं होती है जिसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन जब करने के लिए इंजेक्शन देना होता है और इसलिए उसकी हेल्थ पर भी, महिला के हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट हो सकती है। एग रिट्राइवल की प्रोसेस भी उसमें होती है और IVF और इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन की सारी प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है और ये एम्ब्रियो रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था होती है। तो ये सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ये बिल मैं सम्माननीय सदन में ला रहा हूँ। सदन उसके ऊपर विचार करे और उसको पारित करे।